अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स टुडे वी हैव लेक्चर नंबर फ़ोर फ्रॉम चैप्टर नंबर फाइव आज का हमारा टॉपिक आपकी बुक का पेज नंबर सेवेंटी टू वायरसेस के बारे में है वायरसेस uh, का आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे इनको डिफ़ाइन करेंगे <coughs> इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और कुछ वायरल डिजीज़ के बारे में और uh, स्टार्ट करते हैं इसको वायरसेस जो है अबाउट अ सेंचुरी एगो एट द टाइम ऑफ लुइस पास्चर एंड रॉबर्ट द वर्ड वायरस वॉज जनरली रेफर्ड तकरीबन एक सदी पहले जब लुइस पास्चर का दौर था जो कि 1822 से अठारह और रॉबर्ट कॉच का दौर था 1843 से 1910 में ये जो वायरस का लफ़ था ये अमूमन जहर के लिए इस्तेमाल पॉइजन के लिए इस्तेमाल किया जाता था इट जनरली रेफर टू एज अ पॉइजन एसोसिएटेड विद डिजीज़ एंड डेथ तो लोगों का ये बिलीव था कि वायरस जहर होता है जिसका ताल्लुक़ जो है वो बीमारी से और मौत वाक़ होने से notion, notion है द प्रजेंट नोशन नोशन कहते हैं असलाह इस वर्ड जो प्रेजेंट वर्ड है वायरस का इज़ इंटायरली डिफरेंट आजकल जो इसका कंसेप्ट है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है ना वायरसेज आर रिकोगनाइज एज पार्टिकल्स वायरसेज को पार्टिकल्स कहा जाता है क्योंकि ये एक अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी से हम इसे निकाल दें तो ये नॉन लिविंग फीचर रख लेता यानी नॉन लिविंग हो जाता पार्टिकल बन जाता लेकिन जैसे ही ऑर्गेनिज्म के अंदर डालेंगे तो ये लिविंग हो जाता तो नाउ वायरसेज आर रिकोगनाइज एज अ पार्टिकल ऑफ न्यूक्लिक न्यूक्लिकसड ये न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ एक पार्टिकल है ऑफन विद अ प्रोटीन कोट और इनके बाहर की तरफ एक प्रोटीन का बना हुआ कोट होता है यानी दो चीज़ों का बना है वायरस वायरस के अंदर न्यूक्लिक एसिड है और बाहर प्रोटीन का कोट है दे रेप्लिकेट इन लिविंग सेल्स ये लिविंग सेल्स के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं रेप्लिकेट करते हैं एंड कॉज मैनी डिजीज़ेस और बहुत सारी बीमारियाँ भी पैदा करते हैं सच एज इन्फ्लूजा हैपाटाइटस स्मॉल पॉक्स एंड एड्स तो अब तक वायरसेस के बारे में वायरसेस आर पार्टिकल्स अप ऑफ एसिड्स एंड ऑफ़न विद द प्रोटीन कोड द रेप्लीकेट इन लिविंग सेल्स एंड कॉज डिजीजस मुख्तफ बीमारियाँ पैदा करते हैं आ, इन बीमारियों के बारे में आगे चल के आ जाएगा इन दिस सेक्शन दोकस ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ वायरसिस तो ये जो टॉपिक है इसके अंदर हम फोकस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ वायरस पे और लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरियल वायरसेस। वो वायरसेस जो बैक्टीरिया को अटैक करते हैं जिन्हें बैक्टीरियो भी कहते हैं बैक्टीरियल वायरसेस ऑल्सो नोन एज बैक्टीरियल फेजेसम डिजीजेज कॉज्ड बाई वायरसेज शेल ऑल्सो भी डिस्कस्ड इन दिस सेक्शन तो कुछ बीमारियाँ जो वायरसेज कॉज करते हैं वो भी डिस्कस की जाएंगी तो ये नोट कर लें द ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ वायरसिज इज़ नोन एज वायरोलॉजी वो बायलॉजी की ब्रांच जिसमें हम वायरस को स्टडी करते हैं उसे वायरोलॉजी कहते हैं इसके बाद डेफिनेशन वायरस की इस पैराग्राफ में आ रही है द वर्ड वायरस इज़ डाइव फ्राम लैटिन वर्ड वैनम लातीनी जुबान का लफ्ज़ है वैनम जिससे वायरस का वर्ड डिराइव किया गया मीनिंग पॉइजनस फ्लूड जिसका मतलब जहरीला फ्लूड होता है लिक्विड होता है इट कैन बी डिफाइंड एज तो यहाँ से डेफिनेशन शुरू करेंगे नॉन सेलुलर ये नॉन सेलुलर है कि किसी सेल के नहीं बने हुए थे इन्फेक्शियस एंटाइटिस हैं यानी ये एक से दूसरे के अंदर जो ये बीमारियां पैदा करते हैं वो इन्फेक्शियस होती हैं विच कंटेन आई दर आर और डी यानी इनमें न्यूक्लिक एसिड या तो आर होता है या डी होता है नॉर्मली एनकेस्ड इन अ प्रोटीनेशियस कोट और इनके बाहर की तरफ एक प्रोटीन का कोट होता है न्यूक्लिक एसिड के बाहर एंड रिप्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स तो दे कैन बी डिफाइंड एज नॉन सेलुलर इन्फेक्शियस एंटाइटिस बिचेन आई एन एन ए नॉर्मली इन अ प्रोटीनेशियस कोट एंड प्रोड्यूस ओनली इन लिविंग सेल्स वायरस इज यूटिलाइज द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट ये अपने होस्ट जिसमें ये अटैक करते हैं उसके मशीनरी का इस्तेमाल करते हैं फॉर इट्स ओन सेंसेज अपने पार्ट्स बनाने के लिए एंड देन ट्रांसफर दैम सेल्फ एफिशेंटली टू अदर सेल्स यानी इन्फेक्शियस हैं तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है इट कैन बी डिफाइंड एज स्टार्ट करके टू अदर सेल्स तक सम वायरल डिजीज बीन नोन फॉर सेंचुरीज कुछ वायरस से रिलेटेड बीमारियाँ हैं जिनको सदियों से जाना जाता है इनफैक्ट द फर्स्ट इन्फेक्शियस डिज़ीज़ अगेंस्ट विच इफेक्टिव मैथड ऑफ प्रिवेंशन वॉज डिवेल्प वॉज़ अ वायरल डिजीज़ तो सबसे पहली इन्फेक्शियस डिज़ीज़ जिसके अगेंस्ट एक वैक्सीनेशन uh, का काम हुआ था वो भी एक वायरल डिजीज़ थी जिसके बारे में आपने पढ़ा वीन नाइन्टी सिक्स एडवर्ड जैनर फर्स्ट वैक्सीनेटेड एंड एट ईयरस ओल्ड बॉय आठ साल के एक लड़के को उसने वैक्सीनेट किया था सत्रह सौ छियानवे में एडवर्ड जैनर ने विद मटीरियल रिमूव फ्राम पॉक्स लीजें जो काओ पॉक्स के uh, जो जरासीम थे उन उन मटीरियल ऑन द हैंड ऑफ अल्क मेड एक मिल्क मेड के हाथ से वो मटीरियल पस का मटीरियल जो है पॉक्स का लेकर आफ्टर सिक्स वीक्स द बॉय वॉज इोकुलेटड विद पस छः हफ्तों के बाद फिर उसी लड़के को स्मॉल पॉक्स के विक्टम से जो है पस के जरासीम लेकर वो इनोकुलेट किए गए उसके अंदर डाले गए बट ही डिड नॉट डिवेल्प द डिजीज उसमें कोई बीमारी नहीं हुई लेटर जेनर यूज मटीरियल फॉर वैक्सीनेशन फ्राम पॉक्स लीजेंस बाद में जेनर ने जो है वो पॉक्स के जरासीम का मटीरियल लिया वैक्सीनेशन uh, के लिए एंड सक्सेसफुली वैक्सीनेटेड ट्वेंटी थ्री परसेंट तेईस लोगों को उसने जो है वो वैक्सीन लगाया एज द मटेरियल ही यूज वाज ऑप्टेन फ्रॉम काओ चूंकि ये काओ से ऑप्टेन होता है इसलिए लेटिन का वर्ड है वैका लेटर द टर्म वैक्सीनेशन वैका का मतलब काओ होता है बाद में यह टर्म वैक्सीनेशन की विच वॉज यूज बाई लुइस पासचर इसे लूस पास्चर ने इस्तेमाल किया फॉर फॉरिनकुलेशन अगेंस्ट डिजीज़ बीमारियों की वैक्सीनेशन करने के लिए इसके बाद अब थोड़ी सी इसकी वायरस की बैक्टीरियो फेज के बारे में मैं आपको और वायरस की हिस्ट्री के बारे में हम बात करते हैं इन एटीन एटी फोर वन ऑफ द पाश्चर्स एसोसिएट पास्र का एक साथी था उसका एक पार्टनर था चार्ल्स चैम्बरलैंड ही फाउंड द बैक्टीरिया कैन नॉट पास थ्रू द पोर्सलेन फिल्टर्स बैक्टीरिया जो है वो पोर्सलेन का फिल्टर पेपर होता है उसमें से गुजर नहीं सकते वाइल एजेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर रेबीज़ जो रेबीज़ की बीमारी रेबीज़ एक बीमारी है जो कि रेबिड एनिमल्स के जो बावले जानवर होते हैं उनके काटने से होती है अ डिज़ीज़ विच इज़ ट्रांसफर टू ह्यूमन बाई बाइट्स ऑफ रेबिड डॉग्स बावले कुत्ते फॉक्सिस ये लोमड़ियाँ वगैरह कैट्स बैट्स एंड अदर एनिमल्स ये जब बावले हो जाते हैं इनके काटने से ये बीमारी होती है रेबीज़ की डिजीज़ कहते हैं तो इसका जो एजेंट होता है इट कैन पास थ्रू द फिल्टर पेपर वो इन पोर्सलिन के फिल्टर से गुजर सकता था जबकि बैक्टीरिया जो है वो नहीं पास कर सकते थे ये बात फाइंड की थी शाह चैम्बर ने एज़ इन दोज डेज़ द वर्ड वायरस वॉज लूजली यूज टू डिस्क्राइब एनी टॉक्सिक सबस्टांस तो उन दिनों में जो वायरस का वर्ड है ये किसी जहरीले मटीरियल को एक्सप्रेस करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है जो डिजीज़ कॉज करता है दोज़ अनसिन फिल्टरेबल एजेंट्स ऑफ डिजीज़ वर्ड डिस्क्राइब्ड एज फिल्टरेबल वायरसिज इनको फिल्टरेबल वायरसेस का नाम दिया गया यानी एक फ़िल्टर में से बैक्टीरिया पास नहीं कर सकते वायरसेस गुजर सकते हैं वायरसेस का साइज़ बैक्टीरिया से छोटा होता है इन 1892 ये नोट करिएगा एवन डिस्कवर्ड दैट द एजेंट विच कॉज मोजाइक डिजीज़ जो टोबैको मोजाइक की बीमारी पैदा करता है वॉज फिल्टरेबल वो फ़िल्टरेबल है तो ये वो पहला शख्स है जिसने वायरसेस को डिस्कवर किया ही ऑप्टेंड बैक्टीरिया फी फ्री फ़िल्टरेट फ्राम द ग्राउंड अप इन्फेक्टेड प्लांट्स उसने जो इन्फेक्ट टबैको के पत्ते थे उनको ग्राइंड किया और उसमें से बैक्टीरिया रिमूव किए और बैक्टीरिया रिमूव करने के बाद उसने ये जो पेस्ट था पत्तों के को ग्राइंड करके इसने बनाया इसको उसने हेल्दी लीव्स के ऊपर अप्लाई किया ही ए प्लेस्ड इट ऑन हेल्दी लीव्स ऑफ टबैको ही ऑब्जर्व दैट फिल्टरेट प्रोड्यूस द डिजीज़ के फिल्टरेट ने बीमारी पैदा कर दी हेल्दी लीव्स uh, के अंदर आफ्टर uh, दैट प्रेजेंस ऑफ सिमिलर फिल्टरेबल पासिंग अल्ट्रा सीन इन द विक्टी डिजीज बाद में और भी इसी तरह के फ़िल्टरेबल एजेंट्स यानी और बीमारियों के वायरसिस डिस्कवर हुए जिसमें फुट एंड माउथ डिजीज एटीन नाइन्टी एट में येलो फीवर नाइनटीन जीरो वन में डिस्कवर हुआ द फिल्टरेबल एजेंट्स वर फर्स्ट प्योरीफाइड इन ये नोट कर लें नाइनटीन थर्टी फाइव में इनको फॉर द फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था टोबैको मोजाइक वायरस को वॉज सक्सेसफुल इन क्रिस्टलाइजिंग द टोबैको एक वायरस यानी इसको क्रिस्टल्स की शक्ल में अलग किया तो ये पार्टिकल्स होते हैं केमिकली एनालिसिस ऑफ दिस पार्टिकल्स शोड दैट दे कंटेन्ड ओनली न्यूक्लिक एसिड तो बाद में पता लगा कि ये इनमें सिर्फ न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होते हैं दिस सजेस्टेड दैट अनलाइक अदर फॉर्म्स वायरसेस आर ऑफ सिंपल केमिकल कंपोजिशन वायरसेस की कंपोजिशन सिंपल है ये लो बॉक्स दिया हुआ इसको नोट कर लें बैक्टीरियोफेजेस जिन्हें बैक्टीरियल वायरसेस भी कहते हैं वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं उसको खाते हैं उसको अटैक करते हैं वो डिस्कवर्ड इनपेंडेंटली बाई टी वोट इन 1915 एंड डी हार्ले इन 1917 इन दोनों ने मिलकर ने इन फेजिस को डिस्कवर किया टी वोट ऑब्जर्व दैट बैक्टीरियल कॉलोनी समटाइम्स अंडर गो लाइसिस टी वोट ने ही ऑब्जर्व किया कि बैक्टीरिया की कॉलोनी अक्सर लाइसिस तोड़ फोड़ का शिकार होती है डिजॉल्व एंड डिसअपेयर हो जाती है एंड दैट दिस लाइसिस कैन बी ट्रांसफर्ड फ्राम वन कॉलोनी टू तो। और ये जो इफेक्ट है लाइसिस का तोड़ फोड़ का ये एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में ट्रांसफ़र किया जा सकता है इवन हाईली ड्यूटेड मटीरियल फ्राम लाइस्ट कॉलोनी कैन ट्रांसफ़र द लाइटिक इफ़ेक्ट कि अगर ज़रा सा भी मटेरियल बारीक सा मटेरियल भी ट्रांसफ़र हो जाए जहाँ लाइस्ट कॉलोनी लाइसिस हुई है जिस कॉलोनी में तो वो भी लाइसिस कॉस कर सकता है हाउ एवर हीटिंग द फिल्ट्रेट डिस्ट्रॉयड द लाइटिक प्रॉपर्टी हाँ अगर हम फिल्ट्रेट को जो है वो हीट करें तो उससे लाइटिक क्वालिटीज़ ख़त्म हो जाती हैं यानी डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी फ्राम दीज ऑब्जर्वेश कंक्लूडेड दैट लाइटिक एजेंट माइट बी आ वायरस तो उससे ये फिर कंक्लूड किया टी वोट ने कि यह जो लाइसेंस कॉज करने वाला एजेंट है यह वायरस है डी हरले री डिस्कवर्ड दिस वायरस डी हरले ने बाद में इस वायरस को दोबारा डिस्कवर किया रीडिसकवर दिस फिना इन 1917 सेवेंटी नाइन यूज़ द वर्ड बैक्टीरियो फेज तो उसने फिर इसी वायरस के लिए जो बैक्टीरिया को अटैक करता है लाइसिस कॉज करता है बैक्टीरियो फेज यानी बैक्टीरिया ईटर का वर्ड इस्तेमाल किया तो आज का हमारा टॉपिक जो था इसमें से आपने जो है वो एम सी क्यूज़ हैं काफ़ी और शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो वायरस का वर्ड है इसका क्या मतलब है वायरोलॉजी क्या होती है उसके बाद वायरस की डेफिनेशन क्या है ये वैक्सीनेशन का जो वर्क आपने पहले भी पढ़ा हुआ ये इसके अलावा फ़िल्टरेबल एजेंट्स वायरसेस होते हैं बैक्टीरियो क्या हैं इनकी डिस्कवरी का और उसके बाद आ, ये जो माउथ और फूड डिजीज़ का वायरस कब डिस्कवर हुआ इसको आइसोलेट किसने किया ठीक है और कॉम्पोजिशन क्या होती है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन और एम के पॉइंट्स हैं आज के टॉपिक में दैट्स ऑल फॉर टूडे थैंक यू अल्लाह हाफ़िर